हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये NIOS बोर्ड का है। NIOS बोर्ड से मैं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था। ये वही थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको 40 नंबर मिलता है और बाकी का जो नंबर है वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट में मिलता है। प्रैक्टिकल में आपको 60 नंबर मिलेगा और असाइनमेंट जमा कीजिएगा उसमें आपको 8 मिलता है। 8 में से आपको 6, 7, 5 भी मिल सकता है। तो 8 और 60 68 हो गया, और ये 40 नंबर का दिया है तो इसमें से आपको 32 नंबर बनाना है। ये सेट नंबर ए का मुझे मिला था, तो इसको मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दिया हूँ। और सब सब्जेक्ट का भी है उसमें, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया। आप वहाँ से आकर इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा, इसमें आपको पहले तो 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, यहाँ पर डैश दे दिया होगा। जैसे कि एक्सेल में डैश की सहायता से आप आपस में सटे हुए सेलों को रेंज के कंटेंट को जोड़ सकते हैं। अब इसको आपको यहाँ पर भरना होगा। उसी तरह आप यहाँ नीचे आइएगा, आपको 2 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया होगा, इसमें आपको पढ़ कर गलत और सही पर चिन्ह लगाना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा, 5, 5, 10 हो गया। और 2 नंबर का इसमें दिया होगा, 3, 4 क्वेश्चन दे दिया होगा, और आपको उसको उस उन शब्दों को परिभाषित अपने शब्दों में करना होगा। 12 हो गया, और 4 नंबर आपको इसमें आपको इसको और इसमें नोट्स बनाना होगा। जैसे कि IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस आप तो जानते ही होंगे, कंप्यूटर में मोबाइल में भी होता है। इस पर आपको छोटा सा नोट्स बनाना होगा। तो इसमें 10 नंबर मिल जाएगा, टोटल 5 क्वेश्चन दिया होगा, इस एक पे 2 नंबर मिलेगा। तो 12 और 10 कितना हो गया, 22। और फिर यहाँ नीचे जैसे आइएगा, आपको यहाँ पर भी 2 वर्डों को अंतर को बताना है। जैसे कि वेब ब्राउज़र और सर्वर में क्या अंतर है, सोर्स प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या अंतर है, इन सब को बनाइएगा तो इसमें 10 नंबर मिल जाएगा। 22 से 10 कितना हो गया, 32। और फिर जैसे ही नीचे आइएगा, यहाँ पर भी आपको पढ़कर उत्तर देना है। जैसे डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज के अंत में पेज नंबर इंसर्ट करने के स्टेप लिखिए। आप वर्ड पैड और एक्सेल बनाए होंगे तो उसमें इस तरह का काम किए होंगे तो पता होगा आपको। इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 2 को बनाइएगा तो 32 से 4 कितना हो गया, 36। और फिर यहाँ पे लास्ट में आपको नीचे दिया होगा एक्सेल का वर्कशीट दिया होगा, और इसके अंत में आपको 3, 4 क्वेश्चन दे दिया होगा, इसमें आपको पढ़कर उत्तर देना है। फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि सेल एक नंबर का क्वेश्चन है, सेल F3 में ऋषभ के सभी तीनों विषयों को मिलाकर कुल अंक जानने के लिए फार्मूला लिखें। ऋषभ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऋषभ 2 नंबर में है, 21 एक्सेल चार्ट में है, शीट में है, तो बी में है, और इसका आपको फार्मूला लिखना है किस तरह होगा। 2 नंबर में भी उसी तरह है, G6 में श्रद्धा के औसत अंक जानने के लिए फार्मूला लिखें। एक्सेल में आप काम किए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा फार्मूला। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, 40 नंबर का होगा, आपको 32 बनाना है, आराम से बन जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब भी क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ लिंक।